तो ये मेन गेट है और यहाँ पे एंट्री हो रही है। तो अरे हाथी 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 है यार नदी में, आगे आगे यार गाइस हाथी है नदी में नहा रहे हैं। तो ये देखो गाइस, तो गर्मी का टाइम है और मैं बता ही रहा था आपको कि जिम कॉर्बेट की लाइफलाइन है रामगंगा रिवर। तो गाइस डेकाला गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में आपका फ्रेंड एंड होस्ट दीपांकर कुलबे स्वागत करता हूँ आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। तो गाइस आज हम आए हैं डेकाला के गेट में जो कि धनगढ़ी गेट है और ये सफारी गाड़ी सब अंदर जाने का वेट कर रही है। और मैं बताऊँ कि जो डेकाला है तो यहाँ जा निकले अगर मैं कहूँ कि किस्मत का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो सही बात है, क्योंकि यार यहाँ एक तो आपको 3 महीने पहले बुक करवाने पड़ते हैं जो सफारी होती है और ऊपर से मतलब 3 महीने तक आपको वेट करना पड़ता है तब जाके आप कहीं डेकाला के गेट तक पहुँचते हैं और यहाँ से सफारी करने की सोचते हैं। तो अभी आज हमारी जंगल सफारी है तो मैं आपको लेके जाने वाला हूँ जंगल में डेकाला के। और बाकी अभी हमारा थोड़ा सा एंट्री चेक हो रहा है तो वो मैं आपको लेके जाता हूँ जो चेक पॉइंट है। हो गया सर, इसमें फोर लेन की जरूरत है। तो ये मेन गेट है और यहाँ पे एंट्री हो रही है। तो बाकी जो आपको यहाँ का परमिट लेना है वो कम से कम 2.5 से 3 महीने पहले बुक किया जाता है। तो हमारी यहाँ पे 3 नाइट सफारी है और मैं ये चीज़ बता दूँ कि जो डेकाला गेट है वहाँ मैक्सिमम आप 3 नाइट स्टे ही कर सकते हो, उससे ऊपर यहाँ पे आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो बेसिकली हमारी भी फुल 3 नाइट की स्टे है तो यानी कि हम 5-6 सफारी करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा क्योंकि बहुत एक्साइटिंग ये ट्रिप होने वाला है और मैं आपको मिलवाने भी वाला हूँ जो हमारे साथ चल रहे हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। बाकी देखो इतने टाइम के स्टे के लिए यहाँ हमारे कैमरा बैग्स हैं, साथ में लगेज बैग है, ऐसे करके हम जाते हैं। और साथ में अपने हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर खत्री जी, क्या हाल है आपके? बहुत ही बढ़िया सर। तो एक्साइटेड? बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज, इससे पहले भी काफ़ी शानदार शॉट मिले थे और उम्मीद मेरी उम्मीद है कि उससे भी बेहतर शॉट मिलेंगे इस बार। तो काफ़ी अपेक्षा रहती है जब भी सफारी में आता हूँ और मेरी करीब 6ठी सफारी होगी सीजन की। तो बाकी हमारे साथ है साबू भाई, ऑल टाइम आपने देखा होगा, और भाई के साथ हम जा रहे हैं डेकाला सफारी में। तो आप देखो और साथ में हमारे हैं जीजू, ये क्या है आपके हाथ में? ये गार्बेज बैग है, सारा गार्बेज इसी में वापस लेके आना है, कुछ फेंकना नहीं है अंदर। और साथ में हमारी चल रही सिस्टर, हेलो, एक्साइटेड? वेरी वेरी। तो देखिए सफारी गाड़ी जाने लग गई और हमारा भी अब प्रोसेस पूरा हो गया जो कि एंट्री का था और अब हम सीधे जाने वाले हैं आप लोगों को डेकाला का जो मेन FRH है उससे पहले पहले क्या देखने को मिलता है वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा और मिलते हैं आगे। तो फाइनली हमारी एंट्री हो गई है, बोलो गणपति बप्पा, जय माता दी, जय माता दी। तो दोस्तों एंट्री हो चुकी है और गाइस महज गेट से हम आए होंगे 6 किलोमीटर। तो जो यहाँ का सबसे पहले FRH पड़ता है वो है सुल्तान FRH जो 1903 में बना था और देखिए कितना एकांत में है। और ये FRH है सुल्तान और यहाँ पे जो फॉरेस्ट वाले हैं उनके क्वार्टर्स हैं। और बाकी जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो सारा काम मतलब यहाँ सोलर पैनल से ही चलता है। तो यहाँ पे जो गेस्ट हैं उनकी सफारी व्हीकल भी यहीं है तो यहाँ से ये लोग अपनी सफारी स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम जा रहे हैं डेकाला FRH तो आपको लेके चलते हैं आगे। और जो ये सुल्तान FRH है यहाँ पे बस 2 रूम है तो जिनको काफ़ी ज़्यादा मतलब शांति प्रिय लोग होते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सुल्तान FRH।
तो अब आपको आगे की तरफ हम लेके जाते हैं। और सुल्तान से अभी ढिकाला की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ से अराउंड 22 किलोमीटर अभी भी ढिकाला है हमारा FRH। और बीच में जो आपको बाकी गेस्ट हाउस आएंगे, सरदुली है, खिला नौली, वो भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश होगी, तो आप लोग बने रहिएगा। तो गाइस यहाँ से एक रास्ता जाता है गैरल, तो गाइस एक रास्ता जो आप ये देख रहे हैं वो जाता है गैरल FRH की तरफ, तो इसका नाम भी गैरल तिराया है। और हम अभी जा रहे हैं सीधे ढिकाला की तरफ। तो जो गैरल स्टे करने वाले हैं वो यहाँ से मतलब 3 किलोमीटर अंदर की तरफ जाएंगे, तो काफ़ी वो भी पीसफुल इलाका है। लेकिन उनको सफारी करने के लिए अगर जाना ढिकाला है ग्रासलैंड जाना है तो आपको 3 बजे ही जाना पड़ेगा यहाँ से। तो ये आज का हमारा फर्स्ट एनिमल जो हमें दिखा है वो है सांप डियर, और काफ़ी पास में है। तो देखिए फीमेल, तो फीमेल है ये, क्योंकि इसके सींग नहीं है, हॉर्न्स नहीं है, और बाकी यहीं पे है, इसके आगे भी है। तो अभी हम शॉट ले रहे हो, तो अभी मस्त अपना खाना खाने में बिजी है। एक फीमेल हुआ है और एक थोड़ा सा आगे है, तो वहाँ पे एक फीमेल है। तो बाकी ऐसे ही देखते हुए चलेंगे तो मतलब काफ़ी टाइम मतलब कई क्रिएचर देखने को मिल जाते हैं। तो यार ये हमें एक दिखा पार्किंग डियर, और यहाँ पे कुछ स्पॉटेड डियर। तो अब हमारे सड़क के दूसरे हिस्से में जिम कॉर्बेट की लाइफलाइन रामगंगा रिवर आ चुकी है, तो आगे से आपको दिखाते हैं। अरे हाथी 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 है यार नदी में, आगे आगे यार, गाइस हाथी है नदी में नहा रहे हैं। तो ये देखो गाइस, तो गर्मी का टाइम है और मैं बता ही रहा था आपको कि जिम कॉर्बेट की लाइफलाइन है रामगंगा रिवर, और कैसे यहाँ पे पूरा एक हर्ड है साथ में, मतलब आप देख सकते हैं बहुत प्यारा। तो ऐसे मतलब रिवर में हाथी का मिलना और बहुत ही अच्छा अद्भुत दृश्य है। और थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हम इसलिए नहीं रुक पा रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यार मतलब हमारी ना अभी सेकेंड सफारी है। ये देखो स्पॉटेड डियर, तो ना एक जंगल के अंदर आते हैं मतलब जो एक अलग सी वाइब दौड़ने लगती है ना, वो एक एकदम मैं फील कर पा रहा हूँ, तो शायद आप लोगों को भी मैं फील करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी यार हमारे पास अभी ना थोड़ा सा टाइम कम है, क्योंकि हमें जो सेकंड हब की सफारी है वो भी करनी है, जिसकी टाइमिंग है 3 बजे, तो FRH पहुँचना है, उसके बाद वहाँ पे अपनी एंट्री करनी है, उसके बाद जो हमारा लगेज है वो रखना है, और उसके बाद आज की सफारी करनी है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है आज की डे में, तो अभी तक आप लोगों को मैं जो दिखा रहा हूँ आगे तक बरकरार रहेगा, तो आप लोग बने रहिए। गाइस ये आता है सरदुली गेस्ट हाउस, बर्ड्स दिखी थी आपके साथ मैंने फोटोग्राफ्स
शेयर किए हैं वो है पैराडाइज फ्लाई कैचर, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो जो ये मेल होता है काफ़ी लॉन्ग टेल होती है उसकी, और फीमेल का कलर अलग होता है, तो बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे एक गेस्ट हाउस आता है किना डॉली, और उसके बाद हमारा डिकाला का एफ आर एच आ जाएगा। तो बस हम पहुँचने लग गए हैं, क्योंकि ये वही रूट आगे जहाँ पे हम सफारी करेंगे। तो मैं आपको किना डॉली गेस्ट हाउस अलग से दिखा दूँगा अपनी डिकाला सीरीज में। तो बाकी आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि ये सीरीज का जस्ट ओपनिंग है, और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम सफारी करने वाले हैं। मजा लीजिए आप। और जो यहाँ का फॉरेस्ट है, साल फॉरेस्ट, वो देखिए। फॉरेस्ट, इसके बाद डिकाला का एफआरएच आ जाएगा, और उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे सफारी में। फॉरेस्ट खत्म हुआ तो हम ऑलमोस्ट एफआरएच यहाँ से अब दिखने लग गया है, तो वो है ढिकाला एफआरएच। तो सबसे पहले हम जाके अपनी एंट्री करने वाले हैं, और उसके बाद आपको लेके चलेंगे सफारी में। तो गाइस ढिकाला, यार अभी हम पहुंच तो चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे एंट्री करवानी है अपनी। और एंट्री कराने के लिए हमारे पास जो परमिट है वो आपको यहाँ पे जो ऑफिस है वहाँ दिखाना पड़ेगा। तो पहले आपको वहाँ लेके चलते हैं, और उसके बाद ही हम सफारी में जा सकते हैं। तो जो डे सफारी वाले काउंटर है ये यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एंट्री होती है बेसिकली, अभी हम एंट्री करने वाले हैं। हाँ पर्ची दे दी है, तो यहाँ पे जो हमने अपनी हमारे तो यहाँ पे हम सबसे पहले एंट्री करते हैं। सबसे पहले हमें मिल गया है, और भैया हमारे साथ चल रहे हैं। हाँ जी, आपका नाम? विनंत त्रिलोक। त्रिलोक जी आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। तो त्रिलोक जी के साथ हम जा रहे हैं, सबसे पहले सामान वगैरह रखते हैं फटाफट, और क्योंकि यार सफारी के लिए भी टाइम लग रहा है। तो यार अब फाइनली हम लोग निकल रहे हैं अपनी सफारी के लिए, फर्स्ट सफारी ऑफ ढिकाला। तो आज की जो पहली सफारी है उसकी शुरुआत करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से सीधे अब सफारी में। The blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the